सीए इंटर टैक्सेशन के सब्जेक्ट से बहुत सारे सीए इंटर के स्टूडेंट्स को डर लगता है। इवन सीए इंटर के स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में तो इवन पास होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको इसी सब्जेक्ट के कुछ ईजी वाले चैप्टर्स बताऊँगा जिसको करके आप बहुत ईजिली इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो, ठीक है ना। जी हाँ, इस सब्जेक्ट में पास होना बच्चे बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि सर इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स करने हैं जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे इजिली पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलो मैं आपसे पहले जनरली पूछता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि सर सीए इंटर टैक्सेशन के सब्जेक्ट का मतलब क्या है। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का मतलब है इनकम टैक्स, जबकि सर यहाँ पे जीएसटी भी है लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे फर्दर पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि सर इनकम टैक्स का मतलब क्या है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं सर इनकम टैक्स का मतलब है हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है ना। अब सुनो मेन चीज़, अगर मैं कहूँ कि आप हेड्स ऑफ इनकम किए बिना भी इस सब्जेक्ट में बहुत ईजिली पास हो सकते हैं तो क्या बिलीव करेंगे? नहीं सर, हम तो बिलीव नहीं करेंगे। तो बच्चे मैं आपको इस वीडियो में बिलीव करवाऊंगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, हेड्स ऑफ इनकम बिना किए भी हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट में बहुत इजीली पास हो सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना, क्लियर है। तो हे गाइस, दिस इज प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर ये हैं यहाँ पे चैप्टर्स जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे टैक्सेशन में इजीली पास हो सकते हो। तो सर चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो सर ये रहे यहाँ पे चैप्टर्स जिसके बेसिस पे आप इजीली टैक्सेशन में पास हो सकते हो। सर कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सर, सबसे पहले तो जीएसटी कंप्लीट है। देखो जीएसटी क्लियर कर सर हमारा 40 मार्क्स है, तो ये तो आपने बिल्कुल कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है। अच्छा जी, इसके बाद सर इनकम टैक्स में मैंने यहाँ पे जस्ट 4 चैप्टर्स पिक किए हैं। कौन कौन से सर? पहला चैप्टर है हमारा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसके बाद है हमारे पास सर एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड इंट्रोडक्शन टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। जस्ट ये 4 चैप्टर मैंने यहाँ पे पिक किए हैं सर इनकम टैक्स के, और बच्चे कुछ भी यहाँ पे पिक नहीं किया। जस्ट ये 4 चैप्टर हैं इनकम टैक्स के। यहाँ पे देखो कोई मैंने हेड पिक नहीं किया। जी हाँ, कोई भी मैंने यहाँ पे सर हेड्स ऑफ इनकम यहाँ पे पिक ही नहीं किया। जस्ट आपने 4 चैप्टर करने हैं इनकम टैक्स के, क्लियर है। देखो अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हो ना, तो बच्चे यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि एग्जाम्स में ये सर हमारे 45 to 50 मार्क्स की कवरेज करेंगी करेंगे इसके सर पूरे चांसेस हैं। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा की भी कवरेज हो सकती है। और अगर यहाँ पे मिनिमम मैं कहूँ सर 45 to 50 मार्क्स की भी कवरेज बच्चे हो जाती है, तो आप देखो यहाँ पे 40 तो ईजिली निकाल ही लोगे और यहाँ पे आप सर पास तो ईजिली हो ही जाओगे ये सारी चीज़ें करने के बाद, ठीक है ना। देखो मैंने पास के एग्जाम्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स में से सर 45 to 50 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी। और ये मैं सर मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा की भी कवरेज हो सकती है, ठीक है ना। अगर सर इससे ज्यादा की कवरेज हो जाती है फिर तो हम यहां पे ज्यादा मार्क्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे सर मिनिमम हमारे पास 45 टू 50 मार्क्स की भी कवरेज होती है तो हम यहां पे सर 40 तो इजीली निकाल ही लेंगे और यहां पे हम पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपने करना क्या है, ये सभी के सभी चीजें यहां पे बहुत अच्छे से करनी है, सो डैट अगर यहां पे सर 45 टू 50 मार्क्स का पेपर भी हिट हो जाता है तो आप यहां पे इजीली 40 मार्क्स यहां पे निकाल सको और यहां पे पास हो सको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा सर, हेड्स ऑफ इनकम यहाँ पे रखे ही नहीं है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट सर अपना ज़्यादातर टाइम वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। देखो वो चीज़ें यहाँ पे ना करने के बावजूद भी हम इजिली यहाँ पे पास हो सकते हैं, ये चीज़ बच्चे बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि सर टैक्सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखो इस तरीके से आप इजिली सर इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो, क्लियर है। तो सर ये चैप्टर्स आपने यहाँ पे करने हैं और बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपने तैयार करने हैं। सो अब सुनो सर, यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना। देखो सर टैक्सेशन में होता क्या है, टैक्सेशन में ना हमारे पास कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा चैप्टर कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपने सर उन क्वेश्चंस में करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना। देखो अब सर उन क्वेश्चंस में ये देखना कि सर हमारे पास इन चैप्टर्स में से कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर कवर हो रही हैं, ठीक है ना। तो फिर उन चीज़ों को वहाँ पर अच्छे से करके आना, सो डैट आपको वहाँ पर प्रॉपर मार्क्स मिल सकें, ठीक है ना। देखो इंस्टीट्यूट सर हमारा क्या करता है, स्टेप वाइज मार्किंग करता है। तो अगर आप यहाँ पर वो चीज़ें अच्छे से करके आओगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी,
क्लियर है, दोबारा बता रहा हूँ। देखो टैक्सेशन के एग्जाम्स में क्या होता है, कई बार हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चैप्टर हमारे कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर आपने करना क्या है, उन क्वेश्चंस में देखना कि सर इन चैप्टर्स में से कौन सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो उन चीज़ों को वहाँ पर अच्छे से करके आना। और यहाँ पर सर अगर आप अच्छे से करके होगे तो आपको वहाँ पर प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट आपको पता है सर स्टेप वाइज मार्किंग करता है, तो उनके रिगार्डिंग में फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमारे पास सर एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास ना टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, ठीक है ना, इनकम टैक्स में हमारे पास टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, तो टोटल इनकम के क्वेश्चन में कई बार हमारे पास ना टीडीएस के रिगार्डिंग में भी पॉइंट्स आते हैं, तो टोटल इनकम का क्वेश्चन देख के यहां पे आपने वो क्वेश्चन बच्चे छोड़ नहीं देना एग्जाम में, ना 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 ये चीज ना करना, तो वहां पर आप ये देखना कि टोटल इनकम वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर बाई चांस टीडीएस वाले पॉइंट्स हैं, तो टीडीएस तो हमने यहां पर अच्छे से किया हुआ है ना, तो वो पॉइंट्स के रिगार्डिंग में जो भी चीजें हैं उस क्वेश्चन में वो अच्छे से करके आना, ठीक है ना। देखो इंस्टीट्यूट हमारा स्टेप वाइज मार्किंग करता है, तो उसको सर अच्छे से करके आना, आपको वहां पे प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, उस स्टेप के रिगार्डिंग में आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। तो बाकी चीजें अगर आपको नहीं भी आती होंगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस में सर जो भी चीजें कवर होंगी उनको अच्छे से करके आना, सो डैट आपको सर प्रॉपर मार्क्स मिल सके। ये सर चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमारा इंस्टीट्यूट स्टेप वाइज मार्किंग करता है, तो आपको वहां पर प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो टैक्सेशन के एग्जाम में ऐसा चलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने करना है, और बच्चे मैं आपको यहां पे श्योरिटी देता हूं, अगर आपने सभी चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिए ना, तो यहां पे सर चाहे ये चैप्टर्स के बेसिस पे इंडिविजुअल बेसिस पे क्वेश्चन आए, चाहे सर कंबाइन होकर आए, आपको 45 to 50 मार्क्स के तो क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये मैं मिनिमम कह रहा हूं, इससे ज्यादा की भी सर यहां पे कवरेज हो सकती है। तो अगर इतनी कवरेज बच्चे हो जाती है, तो इसको अच्छे से करके आना, सो डैट हम यहां पर सर पास हो सके, 40 तो यहां पर निकाल ही सके, क्लियर है। तो सर ये है यहाँ पे चीज़, बस इसको अच्छे से करना, आप सर इन चैप्टर्स के बेसिस पे टैक्सेशन में यहाँ पे पास हो जाओगे। सब यहाँ पे सिर्फ सर ये चीज़ें करके आप ना टैक्सेशन में बहुत इजीली पास हो सकते हो, ठीक है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टैक्सेशन से डर लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि सर उनको पता नहीं है कि एफर्ट्स कहाँ पे करने हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि बच्चे आप यहाँ पे एफर्ट्स करें, और बहुत अच्छे से एफर्ट्स करें, तो आप इसके बेसिस पे ना बहुत ईजिली टैक्सेशन में पास हो सकते हैं, क्लियर है। देखो अगर आपका टारगेट है टैक्सेशन में पास होना, तो सर पास होने के लिए कौन से चैप्टर्स करने हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका टारगेट है टैक्सेशन में एग्जम्पशन स्कोर करना, तो उसके लिए सर कौन से चैप्टर्स करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वीडियो में ना मुझे सर कमेंट करके बताओ क्या आपको ये चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। और ये मैंने आपको यहाँ पे सर टैक्सेशन के रिगार्डिंग में चीज़ें बताई हैं, और अगर आपको सर अदर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में भी ऐसी चीज़ें चाहिए कि मैं आपको सर अदर सब्जेक्ट्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊँ जिसके बेसिस पर आप पास हो सकें, और अदर सब्जेक्ट्स में भी मैं आपको यहां पे कुछ ऐसे चैप्टर बताऊं जिसके बेसिस पे आप एग्जम्पशन स्कोर कर सको, अगर आपको ये भी चाहिए तो ये भी मुझे आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, तो मैं सर अदर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में भी आपको ये चीजें लेके आने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सर हम सारी चीज़ें ले आएंगे जो भी आपको चाहिए, बस इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। अदरवाइज सर ये हमारा नंबर है 9915825991, आप सर इस नंबर के थ्रू भी हमें पर्सनली रीच कर सकते हैं, और वहाँ पे भी बता सकते हैं कि सर आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो हम वही सारी चीज़ें लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सर आप कमेंट करके बताएं, और हाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, कि सर सारी चीज़ें हम अपने इसी चैनल पर लेके आएंगे, क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपके लिए चीज़ सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बच्चे अगर आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना, क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।